एक दिन नर्सरी में प्रिंसिपल अचानक कांपने लगते हैं। टीचर के पूछने पर कि क्या हुआ, वे कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और काफी ठंड भी लग रही है। इस पर टीचर कहती है कि जरूर आपको सर्दी जुकाम हो गया होगा, जाइए और जाकर दूसरे कमरे में रेस्ट कीजिए। पर इसे सुन प्रिंसिपल रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे कमरे में अकेले नहीं रहना, वो यहीं सबके साथ रहना चाहते हैं। इस पर टीचर उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि बच्चों जैसा हरकत करना बंद करो, अगर तुम्हारा जुकाम बच्चों को भी लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रिंसिपल दुखी होकर अकेले बैठकर रोने लगते हैं। तभी माओ उनके पास आता है और कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तभी बाकी बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। प्रिंसिपल काफी भावुक हो जाते हैं। इसे देख टीचर कहती है तो ठीक है, आज हम सब मिलकर प्रिंसिपल की देखभाल करेंगे। सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसिपल बिस्तर पर पड़े कांप रहे हैं और बच्चे उन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। इस तरह से बच्चों का साथ पाने की वजह से प्रिंसिपल खुद को काफी लकी इंसान समझते हैं। पर बच्चे प्रिंसिपल की इस अवस्था को देख काफी परेशान हैं। उन्हें काफी ठंड लग गई है। तभी टीचर एक हॉट वाटर बोतल लेकर वहाँ पर आती है और बच्चों को इसमें गर्म पानी डालने को कहती है। माँ अपनी आँख से पानी को गर्म बनाता है और वे उसे उस हॉट वाटर बोतल में डालते हैं। फिर टीचर उस गर्म पानी को प्रिंसिपल को देने के लिए कहती ही है कि कैरन प्रिंसिपल के ही चेहरे पर गर्म पानी उड़ेल देती है। इस पर बेचारे प्रिंसिपल दर्द के मारे कराहने लगते हैं। प्रिंसिपल की हालत और भी ज्यादा बुरी होती जा रही है, जिसे देख टीचर उनके गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी लगाने की बात करती है। राय एक बर्तन में पानी लेके आता है जिसे कैरन अपनी शक्तियों से ठंडा कर देती है। फिर माओ उस पर कपड़ा भिगोकर उनकी पट्टी करने ही वाला होता है कि कैरन पूरा ठंडा पानी ही प्रिंसिपल के ऊपर उड़ेल देती है, जिस पर बेचारे प्रिंसिपल ठंड की वजह से कांपने लगते हैं। प्रिंसिपल की हालत देख टीचर काफी परेशान हो जाती है। वे उनसे पूछती है कि क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। प्रिंसिपल को वैसे तो कुछ खाने का मन नहीं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि बच्चों ने अगर उनके लिए कुछ भी बनाया तो वो उसे खा लेंगे। इस पर बच्चे प्रिंसिपल के लिए खाना बनाने लगते हैं, जिसमें वे अपनी पसंदीदा चीजें डालने लगते हैं, जैसे बैगन और चॉकलेट, हॉट केक और बहुत सारा मेलन सोडा और बहुत कुछ। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वे उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। खाना काफी अजीब लग रहा था, पर फिर भी प्रिंसिपल इसे देख काफी खुश होते हैं और उसका एक निवाला अपने मुंह पे डालते ही है कि अचानक उनके चारों ओर अंधेरा छा जाता है और काफी सारी उल्टियां कर बेचारे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सभी उन्हें देख काफी परेशान हो जाते हैं। बाद में जब प्रिंसिपल की आंखें खुलती है तो वे महसूस करते हैं कि उनका बुखार उतर चुका है। वे काफी खुश हो जाते हैं और फूड के लिए बच्चों को थैंक्स करने लगते हैं, पर उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कब खाया। बच्चे प्रिंसिपल को देख काफी खुश हैं, पर टीचर को लगता है कि खाना शायद इतना बुरा था कि बीमारी तो गई गई, उनकी याददाश्त भी चली गई। फिर टीचर प्रिंसिपल के फोरहेड को चेक करने की बात करती है, पर तभी कैरन अपने फोरहेड से प्रिंसिपल के फोरहेड पर जोरदार टक्कर मारती है, जिस पर बेचारे प्रिंसिपल फिर से बेहोश हो जाते हैं। टीचर के पूछने पर कि कैरन तुमने ये क्या किया, कैरन कहती है मैंने तो अपने फोरहेड से उनके फोरहेड को चेक किया। राय और माओ इसे सुन हंसने लगते हैं, पर तभी पेपे को एक जोरदार छींक आती है और उसका शरीर भी ठंड की वजह से कांपने लगता है। इसे देख बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिंसिपल का बुखार पेपे को भी लग गया। इस पर माओ और राय पेपे से कहते हैं कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारी भी देखभाल करेंगे। देखभाल की बात सुनते ही बेचारा पेपे डर के मारे घबराने लगता है। शाम को जब माओ और उसका परिवार सब्जी मार्केट करके घर जा रहा होता है, तभी हनुका माओ को आसमान की ओर दिखाते हुए कहती है कि देखो माओ आसमान में कितने सारे सितारे हैं। सितारों को देख माओ को यह काफी पसंद आता है। वह कहता है कि मुझे तारे काफी पसंद है, अगर मेरे पास भी एक तारा होता तो मैं उसे अपने घर पे लगाता, उसकी रोशनी से पूरा घर जगमगा जाता। अगले दिन नर्सरी में हनुका माओ की ऐसी बातों को सियोरी और नात्सुकी को बताने लगती है। उन्हें यह सब जान काफी अच्छा लगता है। तभी प्रिंसिपल भी उनकी बातों को सुन लेते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट फील्ड ट्रिप का एक अच्छा सा डेस्टिनेशन मिल गया। अगले दिन प्रिंसिपल बच्चों सहित सभी को फील्ड ट्रिप के लिए ले जाते हैं। वे सभी को डेविल वर्ल्ड ले जा रहे हैं, जहां से वे बच्चों को स्पेस तक ले जाएंगे तारों की सैर कराने, क्योंकि इंसानी दुनिया की तुलना में डेविल वर्ल्ड के स्पेस में पहुंचना आसान है। फिर वे अपने खुफिया रास्ते से सभी को डेविल वर्ल्ड में ले जाते हैं। वे सीधे पेपे के घर जाते हैं। पेपे के ग्रैंड पेरेंट्स को देख सभी काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ गोस्ट ओनी चैन भी प्रकट हो जाती है, जिसे देख माओ तो काफी खुश होता है, पर शिन और इत्सुकी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ एक डेविल एजेंट द्वारा गाड़ी में रॉकेट को लाया जाता है, जिसमें बैठकर वे स्पेस जाने वाले हैं। फिर तीनों बच्चों को स्पेस सूट पहनाया जाता है। उन्हें स्पेस सूट में देख सभी काफी खुश होते हैं और उनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। फिर वह एजेंट बच्चों को स्पेस सूट उतारने को कहता है। इसे सुन सभी चौंक जाते हैं।
नात्सु की पूछती है, तो क्या बच्चे स्पेस में नहीं जाएंगे? इस पर वॉयेजेंट कहता है कि हमारे स्पेस में हवा भरपूर मात्रा में है, इसलिए यहाँ स्पेस सूट की जरूरत नहीं। इत्सुकी पूछता है, तो फिर तुमने इसे पहनाया ही क्यों? वह कहता है, ये तो बस फोटोशूट के लिए था। फिर बच्चों को रॉकेट पर चढ़ने के लिए कहा जाता है। इस पर तीनों माएं काफी डर जाती है और प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या बच्चों के साथ वहाँ कोई नहीं जाएगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस रॉकेट में केवल तीन ही लोगों के लिए जगह है। तभी वह रॉकेट बात करने लगता है और बच्चों को जल्दी से उसके अंदर बैठने को कहता है। बच्चे उसके अंदर चले जाते हैं, पर इधर हनुका को डर है कि कहीं बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बच्चे अपने पेरेंट्स को बाय बाय कहते हैं और रॉकेट लॉन्च होकर आसमान की ओर जाने लगता है। इधर वह एजेंट पेरेंट्स को बताता है कि इस मॉनिटर से हम ऊपर स्पेस में बच्चों को देख सकते हैं। फिर वे सभी उस स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को देखने लगते हैं। नात्सुकी कहती है कि भले ही ये स्टार छोटे लग रहे हैं, पर वास्तव में ये बहुत बड़े हैं। इस पर प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि नहीं, डेविल वर्ल्ड के स्टार्स बिल्कुल ही छोटे हैं, बिल्कुल हमारे हाथ के साइज के। तभी उधर वह रॉकेट बादलों पर लैंड करता है और बच्चों को उतार कर कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना। पर बच्चे तारों को देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दौड़ते हुए तारों की सैर करने लगते हैं और उन्हें चुनने लगते हैं। फिर माओ तारों से एक हॉट केक बनाता है, वहीं कैरन भी तारों से एक बैगन बनाती है, राय ने भी इनसे एक कार बनाया है। वे यहाँ काफी खुश हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक ब्लैक होल खुलने लगता है जिसे देख बच्चे चौंक जाते हैं। फिर वह ब्लैक होल बच्चों को अपनी ओर खींचने लगता है और सभी बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर वह रॉकेट बच्चों को ढूंढने लगता है, पर वे सभी उसे वहाँ कहीं नहीं दिखाई देते। रॉकेट डर जाता है। उधर उस एजेंट को बच्चों के गायब होने की सूचना मिलती है। जब वह यह बात पेरेंट्स को बताता है तो वे सभी काफी डर जाते हैं और स्क्रीन में उन्हें ढूंढने लगते हैं। एजेंट को लगता है कि जरूर ब्लैक होल ने उन्हें निगल लिया होगा और दूसरी जगह पहुंचा दिया होगा। इसे सुन सभी काफी घबरा जाते हैं। उधर वह ब्लैक होल स्पेस के किसी दूसरी जगह पर खुलता है और बच्चों को वहाँ पर फेंक देता है। बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। वे चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी पहाड़ों के पीछे कैरन को किसी चीज का आभास होता है। उसे लगता है कि वहाँ कुछ तो जरूर है। सभी बच्चे उस जगह पर देखने लगते हैं। तभी वहाँ से एक प्रिंसिपल जैसा दिखने वाला ऑक्टोपस निकलता है। कैरन कहती है कि प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी राय उन्हें बताता है कि ये प्रिंसिपल नहीं बल्कि कोई एलियन है। वह एलियन काफी घबराया घबराया सा लग रहा था। वह बच्चों को इशारों से उसके पीछे आने को कहता है। बच्चे उसे फॉलो करने लगते हैं। इधर टीचर और पेरेंट्स बच्चों के गुम होने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। तभी वहाँ गोस्ट ओनिचन प्रकट हो जाती है और उसे भी बच्चों के स्पेस में गुम होने की बात का पता चलता है। उधर स्पेस में बच्चे उस ऑक्टोपस को फॉलो करते हुए पाते हैं कि वहाँ तो और भी कई सारे प्रिंसिपल जैसे दिखने वाले ऑक्टोपस हैं और वह सभी किसी छोटे से स्पेस शिप के आगे खड़े हैं। शायद उनका स्पेस शिप यहाँ पर क्रैश हो गया था और वे सभी इससे काफी परेशान हैं। बच्चों को उन पर काफी दया आती है। वे उनकी हेल्प करने की ठानते हैं। सबसे पहले कैरन उन चट्टानों पर फंसी शिप पर अपनी बर्फबारी करने लगती है जिससे कि शिप पे लगी आग बुझ जाती है। इसे देख सभी एलियन काफी खुश हो जाते हैं। फिर राय अपने बिजली एलियन शिप पर दे मारता है जिससे एलियन शिप पूरी तरह से चार्ज अप हो जाता है। सभी एलियन खुशी से उछलते हुए शिप की तरफ जाने लगते हैं और उसे ऑन करके उड़ाने की कोशिश करते तो हैं, पर वह शिप नहीं उड़ पाता। वह अभी भी चट्टानों में फंसा हुआ है। फिर माओ आगे आता है और उन चट्टानों पर अपनी आग बरसाकर उन्हें पिघला देता है जिससे कि एलियन शिप फ्री हो जाती है और वह उड़कर आसमान की तरफ चली जाती है। बच्चे अपनी इस सफलता पर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है और वे रोने लगते हैं। पर तभी वहाँ गोस्ट ओनिचन प्रकट हो जाती है और बच्चों से पूछती है कि तुम लोग इतनी दूर कैसे आ गए। गोस्ट ओनिचन को वहाँ देख बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। राय पूछता है, पर तुम यहाँ कैसे आ गई? इस पर वह कहती है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि मैं एक गोस्ट हूँ। फिर गोस्ट ओनिचन की मदद से बच्चों को वापस डेविल वर्ल्ड में लाया जाता है। बच्चों को देख सभी पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उन्हें गले मिलते हैं। टीचर और प्रिंसिपल मदद के लिए गोस्ट ओनिचन को थैंक्स करते हैं। तभी शिन माओ से पूछता है कि क्या तुमने एक भी स्टार लाया। माओ हंसते हुए कहता है कि मुझसे वह कहीं खो गया। इस पर हनुका उसे समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही तुमने स्पेस की निशानी खो दी, पर तुमने स्पेस पर किए अपने काफी सारी मेमोरीज को इकट्ठा कर ली है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। इसे सुन माओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वे सभी खुशी से हंसने लगते हैं। और इसी के साथ चिवी डेविल का यह सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नए एनिमे रिकैप में। साइन आउट।